बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको मैंने ओट्स से बनाया है और दही मिलाकर बनाया है, तो ये कर्ड ओट्स बनकर तैयार होगा, जिसको कि सिर्फ 10 मिनट में आप बना पाओगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसके साथ ही इसका फायदा ये है कि ये आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, आपके वेट को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, आपका वेट बढ़ने नहीं देगा। और अगर आप डाइट प्लान पर हो, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो साथ में, तो ये आपका वेट भी कम करेगा। तो कैसे बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा कर्ड ओट्स, वो भी इंस्टेंट तरीके से, आइए रेसिपी में शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है ओट्स, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रोल्ड ओट्स लिया है। तो लो मीडियम फ्लेम पर सबसे पहले 1.5 से 2 मिनट इस तरह से ओट्स को सादा ही भून लेंगे, कोई ऑयल वगैरह नहीं ऐड करेंगे। तो ओट्स को हमने भूनकर अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हमें करनी होगी, जिसके लिए हम लेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको मार्केट में इजिली मिल जाएंगी, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही इसमें बहुत ही अच्छे मिनरल्स विटामिंस होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे पेट को भी ना 90 समय तक भरा भरा महसूस कराते हैं, जिसकी वजह से हमें जल्दी भूख नहीं लगती। तो चिया सीड्स को मैंने आधा कप पानी में 10 मिनट के लिए सोक करके रखा था और इस तरीके से जेली फॉर्म में आकर ये इस तरीके से जब फूल जाते हैं ना, सोक हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो चलिए, जो हमने ओट्स को यहां पर हमने रोस्ट करके रखा था, उसको एक बोल में निकाल लेते हैं। यहां पर ओट्स में हम ऐड करेंगे दही, तो मैंने यहां पर नॉर्मल दही ऐड किया है, यानी कि दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छा फ्रेश दही आपको ऐड करना है। तो मैंने आधा कप ओट्स के लिए 3/4 कप दही ऐड किया है। थोड़ा सा हमें पानी मिक्स करना होगा इसमें, ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर ओट्स थोड़ा सा पानी को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी पसंद की सब्जियां। तो पर उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, तो आपको सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करना है, अपने हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, अपने आप ही ये मिक्सचर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, तो आपको गाढ़ा करने की फिक्र नहीं करनी है। तो मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक, अगर आपको बाद में कम लगे तो आप बढ़ा सकते हो। और साथ ही यहां पर मैं इसमें ऐड कर रही हूं गाजर, तो आधी गाजर को मैंने कद्दूकस करके ऐड किया है। एक छोटे साइज की प्याज भी बारीक काट कर डाल दी, इसके साथ ही आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैंने यहां पर थोड़ा सा खीरा भी ऐड किया है, क्यूकम्बर ऐड किया है, जो कि बहुत ही अच्छा वेट लॉस आपको देगा और साथ ही वाटर कंटेंट में भी हाई होता है। तो गर्मियों के सीजन में अगर आप ये नाश्ता खाओगे ना, तो आप एनर्जेटिक भी फील करोगे और साथ ही बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करेंगे। इसके साथ ही 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पर बारीक काट कर ऐड की और साथ ही हरा धनिया इसमें खूब सारा ऐड करेंगे और सारी चीजों को एक बारी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें टमाटर भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब यहां पर सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना और ये वैसे तो हमारा कर्ड ओट्स बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक स्पेशल तड़का लगाओगे ना, तो बहुत ही टेस्टी तड़का कर्ड ओट्स बनकर तैयार होगा, जो कि इतना अमेजिंग लगता है खाने में कि आप रोज इसको खाना चाहोगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए सबसे पहले हम एक तड़का प्रिपेयर करेंगे। पर इससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टेस्ट करके आप देख लो, नमक वगैरह अगर आपको कम लगे तो आप डाल देना। और नेक्स्ट हम इसमें यहां पर ऐड करेंगे चिया सीड्स, जो हमने सोक करके रखे थे। तो चिया सीड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल जेली फॉर्म में आ चुका है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छे अमीनो एसिड्स भी होते हैं, तो ये अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इस तरह से आप चाहे तो इसको आटे में माड़कर भी खा सकते हो, तो रोटी बनाकर इसकी खाना तो आपको बहुत फायदा देगा। अब ये देखिए, यहां पर हम तड़का बना रहे हैं, जिसके लिए थोड़े सा तेल लिया है हमने 2 चम्मच के करीब, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेना। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब, 1/2 से 1 चम्मच के करीब राई या सरसों। अच्छे से जब ये चटक जाएगी, तब इसमें हरी मिर्च डाल देना, लाल मिर्च सूखी डाल देना, साथ ही करी पत्ता डाल देना। सभी चीजों को एक बार अच्छे से चटका लेना, मिक्स कर लेना और इसका फ्लेवर जब तेल में आ जाएगा ना, तो इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली। तो मैंने मूंगफली को पहले से रोस्ट करके रखा है, तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पहले से भुनी हुई मूंगफली ली है। आप चाहो तो मूंगफली को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे बीच में जब हम इसको खाते हैं ना, तो बीच में क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और ये जो तड़का है ना, बहुत ही इसको अमेजिंग फ्लेवर देता है। तो तड़का कर्ड ओट्स हमारा बनकर तैयार है। इसको नाश्ते में आप खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, सिर्फ इसको ही आप पूरे दिन खाइए, फिर आप देखिएगा नेक्स्ट डे आप देखिएगा आपका वेट कितनी जल्दी कम होता है और आपको कई किलो अपना वेट वेइंग स्केल पर कम नजर आएगा। साथ ही थोड़ी एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी, वॉक करना होगा और आपको अपनी स्लीप का और साथ ही पानी का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर जरूर देखना और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करना। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। कैसी लगी ये रेसिपी लिखकर जरूर बताना, बनाने के बाद फीडबैक जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।